हेलो गाइस, तो राम राम भाई सभी को। भाई कैसे हो आप सभी लोग? स्वागत है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। तो गाइस भाई, सर्दी का बहुत ज़्यादा टाइम है। मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि प्लीज़ आप मेरे व्लॉग को शेयर किया करो, क्योंकि भाई कई मेरे वीडियो पे कमेंट कर रहे हैं कि भाई आप एक जैसी वीडियो बनाते हो। तो गाइस मैं बताऊँ, मैं फैक्ट्री में काम करता हूँ, तो मैं इसलिए फैक्ट्री के ही व्लॉग डालता हूँ सिर्फ, क्योंकि भाई मुझे इतना टाइम नहीं मिलता जो मैं टूर व्लॉग बना सकूं। बाकी अगर मुझे आगे टाइम भी मिलेगा तो मैं ज़रूर बनाया करूंगा। तो भाई मैं आपको अपना रूटीन बताऊं कि भाई 9:20 हो चुके हैं, आज मैं आया हूँ लेट, क्योंकि भाई आज है संडे, तो इसलिए मैं थोड़ा लेट आया हूँ। और बाकी ये मशीन देखिए आप, इसके नीचे टायर लगे थे पहले, वो हमने निकाल दिया और कल इसकी जगह ईंट पर रख दिया हमने। तो गाइस मैं आपको बताऊँ कि भाई ये हमने टायर क्यों निकाले हैं, क्योंकि भाई एक खुशी की बात है, क्योंकि हम लेके आ रहे हैं एक और मशीन। वो मशीन हमारी आ जाएगी आज, जो हमारे मेन फैक्ट्री के हेड हैं तो वो मशीन लेने के लिए गए हुए हैं, तो वो मशीन आ जाएगी हमारी दोपहर तक। उसके बाद में मैं आपको कल उस चीज़ की भी वीडियो बना के दिखाऊंगा कि वो हमारी मशीन किस तरीके की है और कैसे वो चलेगी और किसके कैसे प्रिंटिंग देगी। तो गाइस मैं आपको बताऊं कि हमारे पास लूप वाली मशीन भी आने वाली है, जिसमें तनी लगाई जाती है बैग में, तो उसका एयर कंप्रेसर हमने मंगा लिया है। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा अंधेरा है तो मैं आपको फिर भी दिखा देता हूँ। ये देखिए गाइस, ये पड़ा हुआ नीचे आप देख सकते हैं ग्रीन कलर का, ये एयर कंप्रेसर उस मशीन का, कि जो कि वो हम लूप वाली मशीन मंगाएंगे तो उसके ऊपर लगेगा ये, और इससे वो मशीन चलेगी। तो बाकी आप देख सकते हैं भाई, कचरा वगैरह इतना ज़्यादा नहीं है। कल भी हम टाइम से चले गए थे, कल वो आए नहीं थे, क्योंकि उन्हें भाई जो मेन हमारे फैक्ट्री के हेड हैं तो वो कल आए नहीं थे, क्योंकि उनके डैडी को प्रॉब्लम थी और वो मेडिसिन लेने के लिए गए हुए थे, और हम ही आए थे सिर्फ। तो हमने कुछ ज़्यादा खास काम नहीं किया था। ये भी देखिए, कल हमारा ये प्रिंट हुआ बैग गोल्डन और कॉफ़ी कलर का। बाकी देखिए, एक है शिवगंज का और एक है जोधपुर का। अभी मैं इसको पैक करता हूँ और इतनी देर में और भी लड़के आ जाएंगे, तो क्योंकि भाई आज तीन ही हम होंगे फैक्ट्री में और हम तीन ही मशीन चलाएंगे आज। बाकी जो मेन हेड है वो नहीं होंगे, क्योंकि भाई वो तो गए हुए मशीन लेने के लिए, वो आएंगे दोपहर में 2-2:30 बजे तक आएंगे, उसके बाद वो मशीन चलाएंगे। तो गाइस मैं आपको यही कहना चाहूँगा एंड में कि भाई व्लॉग मेरे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो, क्योंकि भाई आप कुछ खास रिस्पॉन्स दे नहीं रहे हो मेरे को यूट्यूब पर, ताकि मैं और अपनी वीडियो डालूँ। तो भाई जितना मुझे टाइम मिलता है, मैं उतने टाइम में मैं वीडियो बना लेता हूँ और डाल भी देता हूँ। भाई क्या करूँ भाई, मैं क्योंकि मैं फैक्ट्री में काम करता हूँ। मैं आपको अपना टाइम टेबल बताऊँ कि मैं सुबह 9 बजे आ जाता हूँ, 9 बजे से लेके 6 बजे तक मेरी ड्यूटी टाइम होता है, और आधा एक घंटा तो मुझे घर जाने आने में लग जाता है, तो 7 तो वैसे ही बच जाते हैं, कई बार ओवर टाइम भी लगाना पड़ता है फैक्ट्री के अंदर। तो भाई बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता मुझे वीडियो बनाने का, और जब टाइम मिलता है तो मैं वीडियो वहीं पे बनाने लगता हूँ। तो गाइस मैंने सोचा आज वीडियो बना दूँ, क्योंकि संडे भी और साथ में बाकी जो दो लड़के हैं वो लेट आएंगे थोड़ा सा, और मैं भी आज लेट आया हूँ आधा घंटा, क्योंकि वैसे मैं 9 बजे आता हूँ, आज मैं आया हूँ 9:20 पे। तो गाइस आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो व्लॉग को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और मैं आपको बताऊँ मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है kartikpv15, तो आप सर्च करके और मेरी आईडी को फॉलो कर लेना, मेरी रील्स भी देख लेना। बाकी यूट्यूब पे आप गाइस प्लीज़ वो मुझे थोड़ा सपोर्ट करो, ताकि मैं आगे से आगे और भी अच्छे अच्छे व्लॉग बनाऊँ आपके लिए और डाल भी सकूँ। और मैं आपको बताऊँ कि भाई ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, ताकि भाई जो कैरी बैग है ऑर्डर करना चाहते हैं, या फिर जिससे कैरी बैग चाहिए, जैसे कोई भी शॉप वगैरह होती है तो उन्हें कैरी बैग चाहिए होते हैं, तो भाई वो ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो भाई बस इस बात का ध्यान रखना प्लीज़, क्योंकि भाई दिनों दिन मेरे चैनल का लेवल डाउन होता जा रहा है। तो भाई एंड में यही कहूँगा कि प्लीज़ सपोर्ट मी, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए भाई सभी को लव यू दिल से, सभी को थैंक यू, बाय बाय।